बड़ा अच्छा लगता है कि बंदिश के जितने सारे दर्शक हैं वो हर गीत को उतना ही प्यार देते हैं जितना कि इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में हमने आप सभी का रिस्पांस देखा है ना। वे सब ये जितने सारे सिंगर्स हैं आपके इस प्यार का इंतज़ार करते हैं। अंधेरे में किसी का चेहरा तो नज़र नहीं आता, मगर जो दुआएं तालियों के ज़रिए बरसती हैं इससे हर कलाकार का दिल खुश हो जाता है। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, ज़िंदगी में अपनों का साथ न छूटे, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस रिश्ते की डोर न टूटे। और कुछ सालों पहले बंदिश से ये डोर बंद गई है, वो यूं ही बंधी रहेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आप सभी को बताना चाहूँगा, लता जी का जो अंदाज था वो हर किसी को इंस्पायर करने वाला। एक तो शख्सियत ऐसी इतनी हम्बल, और साथ ही साथ जब स्टूडियो में पधारती थी तो सबसे पहले चप्पल बाहर उतारती थी। कोई गाना अगर उन्हें गाना हो तो गाना सबसे पहले अपने हाथों से लिखने के लिए एक कागज़ लेती थी, कागज़ पे सबसे ऊपर श्री लिखती थी अपने हाथों से, और फिर जिस कवि या शायर का वो गीत है उससे वो सुन के वो खुद अपने हाथों से सभी बोल लिखा करती थी। उसके बाद संगीतकार से धुन समझती थी और वही धुन रिहर्सल करने के लिए वायलिन प्लेयर के पास जाती थी। वायलिन प्लेयर से सब वो पूरी की पूरी धुन वो सुना करती थी और उसके बाद ही गाने के लिए खड़ी हुआ करती थी। अब देखिए, वायलिन के सुरों के संग उनका जो तालमेल रहा वो स्टूडियो में इस तरह रहा रिहर्सल के दौरान। बट एक गाने में उनका इम्तिहान था, लक्ष्मी प्यारे का संगीत था, वायलिन के साथ लता जी की आवाज़ हमारे कानों तक आनी थी, मगर वो शोर न करते हुए आनी चाहिए, ये लक्ष्मी और प्यारेलाल जी की सोच थी। और इसमें लता जी अव्वल नंबर पा गई। फिल्म शोर का एक गीत है, संतोष आनंद साहब ने लिखा हुआ, जिसमें लता जी का साथ मुकेश जी ने भी निभाया है। वो गीत अब की बार आप सभी के सामने आने जा रहा है। वायलिन का म्यूज़िक जो है वो यहाँ पे रंग भरने वाला है, और इस साज के साथ लता जी की आवाज़ कैसे हम सभी का दिल लुभाती है पता ही नहीं चलेगा, साज गा रही हैं या आवाज़ गा रही हैं। आइए हम सुनते हैं पलक, रमेश, गोकट, रीता सामक्यारे की आवाज़ में, और इनका साथ निभाएंगे कमलेश अवचर लालजी भाई शाह लाकड़िया से।
तुझी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, thank you.